हमें बचपन से सिखाया गया कि दूध हमारी ताकत के लिए, स्किन के लिए, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। टू एन एक्सटेंड इट्स ट्रू, जब आपकी ग्रोइंग एज होती है, आपकी बोन डेंसिटी, कैल्शियम की कमी ना हो, बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है दूध एंड अच्छा भी होता है। बट आफ्टर यू टर्न टू एन अडल्ट, 60-70% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड लैक्टोस इंटॉलरेंट हो जाते हैं जब एडल्ट टर्न होते हैं, पार्शली या फुली। आपका ब्लोटिंग हो गया, पेट में गर्मी हो गई, आपका क्या स्किन प्रॉब्लम्स होगी और बहुत सारे इशूज। अब आप बोलेंगे हमारे पूर्वज और वो पहलवान जो होते थे वो कैसे इतना दूध लेते थे, बिकॉज उनका लाइफस्टाइल सारा नेचुरल है, वो चलते ज्यादा थे, हमारी तरह स्कूटी गाड़ी ये सब नहीं उठाते थे, और क्या स्लीपिंग पैटर्न्स ठीक रहते थे, इतना स्ट्रेस नहीं होता था बात बात पे, वो सोशल मीडिया नहीं उठाते थे बात बात पे, वो जोमैटो स्विगी ऑर्डर नहीं करते थे, बिल्कुल घर का नेचुरल खाना होता था। तो सी द डिफरेंस। बहुत लोगों को स्किन प्रॉब्लम होती है, वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और आजकल देखा गया है कि उनका डेली कंजम्पशन वो कम करा देते हैं, जिससे फर्क भी पड़ता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप एडल्ट हो गए हैं तो आपको बिल्कुल दूध नहीं पीना। जब फुल फैट डेरी है उसका हाई कंजम्पशन थोड़ा कम करना है, मिनिमल कंजम्पशन इज फाइन।